नोएडा में बने 32 मंजिला ट्विन टावर रविवार दोपहर 2:30 बजे गिरा दिए जाएंगे। 13 साल में बनी दोनों इमारतें टूटने में सिर्फ 12 सेकंड लगेंगे। कुतुब मीनार से ऊंचे ट्विन टावर से ठीक 9 मीटर दूर सुपरटेक एमरल्ड सोसाइटी है। यहाँ 650 फ्लैट्स में करीब 2500 लोग रहते हैं। देश भर में ज्यादातर लोग देखना चाहते हैं कि ट्विन टावर कैसे टूटेंगे, लेकिन आसपास रहने वाले को डर है कि उनके घर कैसे बचेंगे। घर बच भी गए तो टावर के मलबे से निकली धूल से कैसे बचेंगे। ये जगह सेक्टर 93 में है और नोएडा के महंगे एरिया में शामिल है। यहाँ 3 BHK फ्लैट की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। ट्विन टावर गिराने का जिम्मा एडिफाइस नाम की कंपनी को मिला है। ये काम प्रोजेक्ट मैनेजर मयूर मेहता की निगरानी में हो रहा है। वही कुछ रूट को डायवर्ट भी किया गया है, साथ ही उस समय के लिए नो फ्लाइन जोन भी रखा गया है। तो कई रूट डायवर्ट किए जाएंगे, आसपास की इमारतें जो हैं वो खाली कराई जाएंगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये ट्विन टावर जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, ये ध्वस्त कर दिए जाएंगे। तो 12 सेकंड में ये इमारतें गिरेंगी। फ्लोर टू फ्लोर कनेक्शन किया जा चुका है और 12 सेकंड में जो ये इमारतें आपको दिख रही हैं, ये कल गिरेंगी। तो नोएडा में बने 32 मंजिला ट्विन टावर रविवार दोपहर 2:30 बजे गिरा दिए जाएंगे। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं जो ये इमारतें दिख रही हैं, कल ये गिरा दी जाएंगी, ध्वस्त हो जाएगा ये। और इसके आसपास की जो इमारतें हैं उनको खाली करा दिया गया है और कई रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विनायक गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनायक, अभी क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि कल ट्विन टावर ध्वस्त कर दिया जाएगा और सिर्फ 12 सेकंड में ही ये जो दिखी हमने तस्वीरें दिखाई थी, ये ट्विन टावर गिरेगा। फिलहाल क्या अपडेट, कई रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं? जी, आपको बता दो कि सेक्टर 93 में बने ट्विन टावर को कल जो है 2:30 बजे करीब जो है इसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा, जिसको लेकर के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने पूरी जो व्यवस्था है वो पूरी तैयार कर ली गई है। आपको बता दें कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेटिंग लगा दी गई है। यहाँ से जो इंजीनियर हैं वही लोग जा सकते हैं, अन्य और कोई भी लोग नहीं जा सकते हैं। पूरे ट्विन टावर को देख सकते हैं कि पर्दों से ढक दिया जाएगा कल, और इसके बाद में जो है इसको गिराने की कवायद शुरू की जाएगी। हालांकि जो इसके बगल में जो सोसाइटियां हैं उसको पूरी तरीके से ढक दिया गया, क्योंकि जब इसको ध्वस्त किया जाएगा तो उसका धूल का गुब्बारा जो है उससे जो सोसाइटी है पूरी तरीके से गंदी ना हो जाए। साथ ही साथ जब इसको गिराया जाएगा उसको लेकर के वाइब्रेट होगा तो उसको भी लेकर के कोई ना कोई अनहोनी ना हो जाए, उसके लिए पूरी सोसाइटी को जो आसपास के दोनों सोसाइटी है उसको खाली कराया जा रहा है। कल सुबह 7 बजे तक जो है इस पूरी दोनों सोसाइटियों को खाली करा दिया जाएगा। हालांकि अभी भी सोसाइटी के अंदर जितने लोग हैं वो अपना सामान पैक कर रहे हैं और साथ ही साथ वो अपने कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं। हालांकि नोएडा प्रशासन की तरफ से जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने ट्रैफिक डाइवर्जन कर दिया गया है। यहाँ से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर जितने भी रास्ते हैं उन सबको बंद कर दिया जाएगा 2 बजे करीब ही, और पूरे आधे से 1 घंटे तक उन जो रूट है उसको बंद करा जा रखा रहेगा। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। अगर बात करें नोएडा प्राधिकरण की, जब इसको गिराया जाएगा तो उसके लिए उस समय यहाँ पर 16 स्मोक गन जो है तैनात किए गए हैं, क्योंकि जब धूल का गुब्बारा होगा तो उसको कहीं ना कहीं रोका जा सकेगा। साथ ही साथ 100 सफाई कर्मचारियों को भी यहाँ पर तैनात किया जाएगा, जिससे कि जो धूल होगी उसको जो है तुरंत के तुरंत पानी का छिड़काव किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं नोएडा प्राधिकरण है और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई है। कल जो है 2:30 बजे इसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा। हालांकि पॉल्यूशन विभाग के अधिकारी भी जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं जी, और चेक किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी तैयारियां कर ली गई है। हालांकि जो आसपास के लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं ये डर है कि जब इसको गिराया जाएगा तो कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए उनके फ्लैट को। जी जी विनायक, जैसा कि आपने बताया कि जो आसपास के फ्लैट्स उनको खाली करा दिया गया है और उनमें डर भी है, क्योंकि जब ये गिरेगा तो आसपास में धूल भी उड़ेंगे। तो फिलहाल अभी जो सोसाइटी के लोग हैं उनसे अगर आपकी बातचीत हो पाई हो, क्योंकि वो लोग वहां पर रहते हैं, कितना डर का माहौल अभी फिलहाल उनको दिख रहा है? जी, अगर बात करें कि सोसाइटी के लोगों का, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने एक लड़ाई लड़ी है। ट्विन टावर जब बना था ये बिल्कुल भ्रष्टाचार की इमारत बनी हुई थी। हम काफ़ी लंबे समय से कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश दे दिया गया है और
कल जो है इसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा। हालांकि उनका ये कहना है कि जो अधिकारियों ने, जिन अधिकारियों ने इसको पास किया था, नक्शा पास किया था और जो NOC दिए थे, उन अधिकारियों के ऊपर अभी तक कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई है। हालांकि अब उन्हें ये भी डर है कि जो सोसाइटी के अंदर लोग रह रहे हैं उनको काफ़ी डर है कि जब इसको गिराया जाएगा तो पूरी तरीके से ठीक से हो पाएगा, अगर कोई भी हल्की सी चूक हुई तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है आसपास की जो सोसाइटी है उसको भुगतना होगा। जी जी देखिए विनायक, 12 सेकंड में ये जो इमारतें दिख रही हैं वो कल ढहा दिया जाएगा। आपसे टेक्निकल समझना चाहेंगे कि किस हिसाब से टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको गिराया जाएगा। जी आपको बता दूं कि इस पूरे ट्विन टावर जो 32 मंजिला इमारत है इसमें 37,000 किलो जो है विस्फोटक लगाया जा रखा गया, 10,000 से ज्यादा जो है छेद किए जा रखे हैं, उनको जो है पूरा एक जो है एक जो कनेक्ट किया जाएगा, उस कनेक्ट के द्वारा एक बॉक्स होगा, उस बॉक्स के से उसको ज्वाइंट किया जाएगा और कुछ ही जब उस बटन को दबाया जाएगा तो कुछ ही सेकंडों के अंदर में इसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा। हालांकि जो है कल जो है इसके इंजीनियर जो है लगातार इसको बार बार चेक भी किया जा रहा है, हालांकि अंदर जा करके इसको चेक कर रहे हैं, लेकिन कल जो है कल पूरी तरीके से यहाँ पर किसी के भी आवाजाही बंद कर दी जाएगी। आज रात से ही यहाँ पर 400 पुलिस कर्मी तैनात कर दिया जाएंगे और कहीं पे भी जो है उनको आसपास के लोगों को यहाँ पर नहीं रुकने दिया जाएगा। बात करें तो नोएडा ट्रैफिक की, तो वहाँ पे भी जहाँ जहाँ ट्रैफिक डाइवर्जन किए गए वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी तैनात कर दिए जाएंगे कि जिससे कि आने जाने वाले लोगों को किसी तरीके से कोई परेशानी ना हो सके, उनको जो है तुरंत अभी से ही जागरूक किया जा रहा है सोशल मीडिया के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, कि जो रूट डाइवर्जन किया गया है उससे लोग जागरूक रह सके कि किसी तरीके से जब ये बिल्डिंग को ध्वस्त करनी होगी तो लोगों की भी जमावड़ा ना लग सके। जी देखिए विनायक, सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई है कि जो इमारतें दिख रही हैं कल इसको ध्वस्त किया जाएगा और 12 सेकंड में इमारतें ध्वस्त होंगी, ये देखने वाला होगा। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।